वरुण धवन की एक फिल्म आ रही है सुई धागा, और वरुण धवन ने चैलेंज किया है कि इस धागे को सुई के अंदर डालना है 10 सेकंड के अंदर। एंड आई एक्सेप्ट द चैलेंज, और मैं कैमरामैन से कहूँगा कि 10 सेकंड गिनना शुरू करें। 10, 9, 8, 7, कहाँ है? 6, 5, 4, 3, 2, 1। इस सुई में छेद है भी या नहीं? कहाँ है? नहीं किया। गिनते रहे गिनते रहे। एक, 120 दो, सेकंड गिन अब तू बेटे, क्योंकि तीन, ये नहीं जा रहा अंदर। चार। अनुष्का शर्मा ने मुझे चैलेंज किया है कि उनकी नई फिल्म आ रही है सुई धागा, तो मुझे सुई के अंदर धागा बहुत तेजी से डालना है। जो जल्दी डालेगा वो ये चैलेंज जीत जाएगा, तो मैं ये चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। ये रही मेरी सुई, ये रहा मेरा धागा, और ये इसमें चले गए। टाइम था 0.00001 मिली सेकेंड। मुझे जो हरा सकेगा वो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करे और ट्राई करे। मेरी इतनी बड़ी सुई क्यों और इतना बड़ा धागा क्यों? बड़े बड़े लोगों की बड़ी बड़ी चीज़ें। और मेरी तरफ से बड़ी बड़ी बधाई हो मनीष शर्मा को, शरद को, अनुष्का को और वरुण धवन को। उनकी फिल्म आ रही है और बड़ी बड़ी हिट हो इंशाल्लाह। और एक्चुअली इतनी बड़ी हिट हो जितना मेरा धागा और मेरी सुई। ऑल द बेस्ट। वेलकम टू द सुई धागा चैलेंज। ये बहुत ही सिंपल चैलेंज है। इसके लिए एक सुई चाहिए, एक धागा चाहिए और धागा को सुई में डालना है। आज हमारे पास ऐसे दो धुमेदार कंटेस्टेंट्स, एक है आलिया जी भट्ट जी और दूसरे है ARK मतलब आदित्य रॉय कपूर, वो भी यहाँ पे है। तो इनको क्या करना है, गेम खेलना है, धागे को सुई के अंदर डालना है आज इनको। अभी आपके पास है सिर्फ 10 सेकेंड। रेडी सेडी गो। ये बहुत ही आसान गेम है, हम चैलेंज करना चाहते हैं पूरे भारत को। आइए और खेलिए हमारे साथ सुई धागा चैलेंज। Who do you want to nominate? आलिया wants to nominate करण जौहर। I want to nominate रोहित धवन। नमस्कार वरुण धवन जी और अनुष्का शर्मा जी, सब बढ़िया है? नमस्कार, हम आपकी ये सुई धागा की जो चुनौती है वो स्वीकार करते हैं, क्योंकि तेरा छावला छावला, तेरा छावला लगा जैसे कोई घाव लगा। अब ये है हमारी सुई और ये है हमारा धागा। हम आरंभ करते हैं। You done this before? Never. मैं सुई तो नहीं नोट करी हूँ। That must be an internal problem. See this hole? Oh. Why are you making these sounds? मुझसे हो नहीं रहा है इधर से। कौन ये कौन? ये नहीं होगा मुझसे, नहीं होगा मुझसे। मैं गिव अप।